चलिए। सभी छात्रों को गुड आफ्टरनून। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का स्टडी करते हैं और टाइम एंड वर्क एक ऐसा लेसन है जिससे नॉर्मली 25 क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से इससे होता है। इसीलिए 25 क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन भी अगर पूछता है तो आपका दोनों बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आपका हाई स्कोर हो सकता है। अब टाइम एंड वर्क एक्चुअली है क्या, तो जब भी इस चैप्टर में कभी बोला जाता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को, तो सबसे पहले आपको इसके सिनॉप्सिस को समझना पड़ेगा। जब आपसे बोलता है किसी काम को, पूरे काम को, तो इसका अर्थ होता है एक काम। मीनिंग है पूरे चैप्टर में जब भी कोई काम फिनिश होता है तो उसका अर्थ होगा एक काम। जैसे क्वेश्चन कर दिया कि 15 दिन में एक किसी काम को पूरा कर सकता है, तो इसका अर्थ है 15 दिन में वो एक काम करता है। इसलिए पूरे काम और किसी काम को आप याद कर लीजिए कि इसका अर्थ होगा एक काम। ये आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर ए अकेला हो सकता है, किसी काम को कुछ दिन में समाप्त करता है, उसके एसोसिएट में बी हो सकता है, उसके एसोसिएट में सी हो सकता है, होने के लिए डी भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली आपके सिलेबस में ए बी सी तीन व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते हैं, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा होता है। उसके बाद हम लोग इसमें सिनॉप्सिस में स्टार्ट करते हैं कि आखिर इस चैप्टर को ईजी कैसे किया जाए, और आप जब भी कोई लेसन पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसके सिनॉप्सिस को ज़्यादा क्लियरली समझना चाहिए। जब सिनॉप्सिस क्लियर होता है तो निश्चित रूप से वो चैप्टर ईजी हो जाता है। हम तभी चैप्टर को टफ मानते हैं जब हमारे पास उसका सिनॉप्सिस नहीं होता है। इसलिए किसी भी चैप्टर को आपको जब यहाँ पर YouTube पर डाला जाता है तो आप जरूर उसमें ये वॉच करिए कि उसके सिनॉप्सिस को पहले क्लियर कर लीजिए। जो आज सिनॉप्सिस यहाँ बताया जा रहा है टाइम एंड वर्क का, सिनॉप्सिस जब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में उस पर जो भी क्वेश्चन कराया जाता है वैसे क्वेश्चन को रिपीटेडली बनाइए, और आप एक ही वीडियो को कम से कम 2-3-4-5 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से उस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है। अब यहाँ पर इसके सिनॉप्सिस में अगला पॉइंट, जब ए किसी काम को एक्स दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को वाई दिन में समाप्त कर सकता है, तो ये दोनों जब मिल जाएगा तो उस काम को समाप्त करने में जो समय लगेगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट और इन्हीं दोनों के एडिशन पर डिपेंड करता है। मीनिंग ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपके एसएससी में, रेलवे में समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन विगत 5-7 साल में पूछा गया कि ए एक्स दिन में, बी वाई दिन में, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, उसका आंसर यही है एक्स इंटू वाई और वाई में एक्स प्लस वाई डिस्क। ये एक सिनॉप्सिस का पहला पॉइंट जिसके अनुसार हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डिजिट में, जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे रेलवे एसएससी में ये भी अब क्वेश्चन है, बहुत पहले ऐसा नहीं पूछता था लेकिन लेटेस्ट में आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए टाइम एंड वर्क का आप सिनॉप्सिस के साथ में एक एग्जाम्पल देखिए। पहला क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट तो मिल चुका है कि हम लोग इस फार्मूला का आप हेल्प लेते हैं यहाँ पर। और इस फार्मूला का हेल्प से क्या बोला गया, पहले इन दोनों समय को मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद में इन्हीं दोनों समय को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में इसको ऐड कर देते हैं। जब इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ से ये 25 है, ये 6 टाइम्स में पूरा कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 6 डेज। मीनिंग है इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली हम लोग यहाँ पर डील कर लिए कि ए और बी मिलकर उस काम को 6 डेज में फिनिश कर देगा। और इसी क्वेश्चन का फंडामेंटल जानकारी भी आपको होना चाहिए। इसलिए फंडामेंटल जानकारी क्या कहता है उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फंडामेंटल जानकारी के अनुसार ये क्वेश्चन आपको कैसे डील होता है। तो क्वेश्चन क्या था वो तो आपको याद हो चुका है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। इसका अर्थ हो गया कि किसी काम को, आपको स्टार्टिंग में बताया गया किसी काम जैसे बोलेगा तो उसका अर्थ होगा एक काम। इसीलिए यहाँ पर आप लिख दीजिए ए 10 दिन में एक काम कर सकता है। इसीलिए ए आखिर एक दिन में क्या करेगा, तो बोले जो व्यक्ति 10 दिन में एक काम कर सकता है वो एक दिन में अर्थात कम समय में काम भी थोड़ा कम करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो 1 और बाय में 10 कम करने के लिए। बिल्कुल उसी प्रकार से बी के बारे में बोला था कि बी किसी काम को 15 डेज में कर सकता है, तो फिर वही बात, बी 15 दिन में किसी काम को अर्थात एक काम को समाप्त कर सकता है, तो यहाँ पर एक काम लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ से बी एक दिन में क्या करेगा, तो उसी पैटर्न के अनुसार यहाँ वो 1/15 काम करेगा। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है इन दोनों बातों पर।
जब यहाँ से ए और बी मर्ज हो जाएगा, ए और बी मिलकर काम करेगा, तो इसका अर्थ होता है ए और बी मिलकर मात्र एक दिन में अपने अपने कैलिबर के अनुसार वो इतना इतना काम करेगा, जो 1/10 है और 1/15 है। ऐसे इसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से लिखा गया कि ए और बी मिल करके 10 दिन में, यहाँ से कैलकुलेट करिए तो एलसीएम इन दोनों का 30 होगा, 10 से 3 बार में, 15 से 2 बार में, तो 3 और 2 5, इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो 1/6 काम हो गया। अब सोचिए 1/6 काम अगर करता है 10 दिन में, तो एक काम में क्या समय लेगा वो निकालना है, इसीलिए यहाँ से एक काम में क्या समय लेगा, तो ये 1/6 इधर इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा आपको। तो इसके अनुसार हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि अब यहाँ से अब ए और बी मिलकर के एक दिन में, ये एक दिन है और एक दिन में अगर 1/6 काम किया था तो यहाँ एक काम करने में उसको 6 दिन लग गया, तो आपके पास का आंसर आ गया बेसिक मेथड में इसी प्रकार से। इसलिए फंडामेंटल मेथड बिल्कुल ज़रूरी है, आप कंसेप्ट देख सकते हैं, इसे सीख सकते हैं कि ए और बी मिलकर के एक दिन में क्या कर सकता है, तो एक दिन में ए के द्वारा 1/10 काम, बी के द्वारा 1/15 काम, ये दोनों मर्ज कर देते हैं, कैलकुलेट करने पर एक दिन में 1/6 काम हो गया, इसीलिए एक काम करने में 6 दिन लग गया। लेकिन इससे आप कंपेयर करिए कि आपको समय बिल्कुल कम मिलता है किसी भी एग्जाम में, इसलिए एक नॉर्मल कंसेप्ट यही आता है कि आपको आधे मिनट में जो है, मीनिंग है 30 सेकंड्स में, आधा मिनट अर्थात 30 सेकंड्स में, आधे मिनट अर्थात 30 सेकंड्स में आपको जो है एक क्वेश्चन नॉर्मली हल करना चाहिए। इसलिए हम लोग फंडामेंटल के साथ ट्रिक को अवश्य अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि बिना ट्रिक अडॉप्ट किए हुए हम लोगों को कम समय में ज़्यादा स्कोर नहीं हो सकता। और हमारा मोटिव मैथ्स पढ़ना सिर्फ नहीं है बल्कि स्कोर हाई करना है, स्कोर अगर अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हम क्वालीफाई करेंगे। और निश्चित रूप से आप एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, सीडीएस किसी भी तरह का एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, तो अगर हमारे मात्र इस चैनल का 2 वीडियो देखेंगे तो 2 वीडियो में ही पूरा टाइम एंड वर्क कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता है। इस पूरे चैप्टर के लिए मात्र 4-5 तरह का पैटर्न होता है, वो 4-5 पैटर्न्स को जानना है, उससे आप 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 कितना भी क्वेश्चन डील कर सकते हैं। इसीलिए उस कंसेप्ट को पहचाना, जैसे एक पॉइंट आपको ये दिया गया, दूसरा पॉइंट देखिए, फिर ये सिनॉप्सिस विथ एग्जांपल आपको दिया जा रहा है ताकि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर इसी का एक अगला अप्रोच आता है। अब पहले इसमें हम लोग यहाँ पर 3 आदमी का केस लेते हैं। एक अगला सिचुएशन कि ए किसी काम को एक्स दिन में, बी उसी काम को वाई दिन में और सी उसी काम को जेड दिन में समाप्त कर सकता है, तो ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। वैसे क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ से एक्स इंटू वाई इंटू जेड और बाय में एक्स इंटू वाई प्लस में वाई इंटू जेड और प्लस में जेड इंटू एक्स, इसका हेल्प लेते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन इजीली बन जाता है। अब इसमें इसका भी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपका सपोज क्वेश्चन हो, तो निश्चित रूप से आप इसको जो सॉल्व करेंगे उसके लिए इस पैटर्न पर पहले इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद में आपको 10 × 15 होगा, इस फॉर्मूला को कॉपी करिए, फिर यहाँ से 15 × 30 होगा और फिर 30 × 10 होगा। इसी को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा नंबर ऑफ डेज यहाँ से निकल जाता है। कैलकुलेट अगर करना चाहे तो 15 × 3 = 45, ये आपका 4500 हो चुका है। और इसको भरबली देखिए, यहाँ पर आपका ये 4.5 और ये 1.5, 6 और 3 9, इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ उत्तर आ जाता है 5 days। मीनिंग है आज 3 आदमी था, फिर भी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे उसको हम लोग डील कर चुके हैं, तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया, इसके अनुसार आप इसको डील कर लीजिए। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में आप टाइम को कैलकुलेट करिए कि आप इस मेथड से डील करते हैं तो समय कितना लगा, और फिर सेकेंड मैथड में जो ट्रिकी अप्रोच है उससे डील करेंगे तो क्या टाइम लगेगा, तो उसके लिए यहाँ पर कंसेप्ट देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको टेक्निकल अप्रोच बोलिए, मीनिंग है सो इजी हो जाता है जब हम इसी को दूसरे तरीके से सोचते हैं। तो आप यहाँ पर 3 व्यक्ति का जब भी केस होगा, ये 2 में भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन 2 में जैसा बताया गया आप उसी से बना लीजिए, बेटर है, और ऐसे इससे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, देख लीजिएगा अपने से। जब ये तीनों व्यक्ति मिलकर किसी काम को समाप्त करेंगे तो आप इसके लिए डायरेक्ट अप्रोच लीजिए, सबसे आसान मेथड है। क्या करते हैं देखिए, जस्ट टू इजी, इन तीनों का भरबल एलसीएम लेंगे, यही सिनॉप्सिस है, कंसेप्ट है, आप इसको दिमाग में बैठाइए। इन तीनों समय का पहले एलसीएम लेंगे, भरबल एलसीएम एलसीएम आपको 30 आ गया, वो तो ले लिए। उसके बाद एक बाय लगा दीजिए, बट्टा 10 से ये कैंसिल करिए, 3 बार में यहाँ लिखिएगा, प्लस 15 से इसको कैंसिल करिए 2 बार में और 30 से इसको कैंसिल करिए 1 बार में,
इसको जब हम फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो 3, 2, 5, 1, 6 से ये 30 कटता है 5 बार में। तो देखिए 5 डेज आंसर आ गया, उसमें भी 5 डेज आंसर था, आंसर मैच कर गया। और आप इसको देखिए कि कंपैरेटिवली इसमें आपका 1/10 समय मेरे ख्याल से लगा होगा, इसीलिए इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है कंपेयर करते हुए, और इस मेथड को आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ये आपको इसका सिनॉप्सिस का 2 पॉइंट्स डील कर दिया गया है। उसके बाद में हम आते हैं इसी का अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट में। अब क्या करता है, रिवर्स सिचुएशन हम व्हाट कह सकते हैं, जैसे ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले उस काम को वाई दिन में समाप्त कर सकता है, और क्वेश्चन बोलेगा ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ से हम लोग ट्रिक जो लेते हैं उसके लिए एक्स इंटू वाई होगा, और यहाँ पर वाई माइनस एक्स होगा। ये अभी लेटर में है इसलिए यहाँ पर आपको वाई माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से y जो है आपको इस x से बड़ा होगा, क्योंकि a और b मर्ज किया हुआ है। तो सपोज ये 10 दिन लगेगा तो b अकेला 10 से ज़्यादा में करेगा, 15 12 17 ऐसे, इसीलिए y का मान x से ऑलवेज इस कंडीशन में ज़्यादा होगा। तो अब इसलिए y माइनस एक्स लिखा गया, अगर आपका x बड़ा होता तो x माइनस वाई लिखते, लेकिन यहाँ डेफिनेट है कि y ही आपका बड़ा होगा। अब इस पैटर्न का भी एक एग्जाम्पल इस सिचुएशन का देखें, ऐसे यही सिनॉप्सिस दिमाग में बैठाइए, पूरे चैप्टर का सिनॉप्सिस ही मेन होता है। अगर हम सिनॉप्सिस स्पष्ट कर लेते हैं तो अगर 10 क्वेश्चन भी पढ़े हुए हैं तो उससे पूरा चैप्टर बनता है, मीनिंग है लाखों क्वेश्चन डील कर सकते हैं। अब यहाँ से आइए इसी के लिए एक एग्जांपल, जब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो इसको हम लोग कैसे डील करेंगे उसी पैटर्न से। वो देखिए ए अकेला क्या समय लगेगा, उसके लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 15 माइनस 10। अब इस पैटर्न के अनुसार आप इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये 5 है, 3 से कटेगा और आपका आंसर हो जाएगा 30 डेज, मीनिंग है बी 15 दिन में, ए अकेला 30 दिन में, ए और बी मर्ज कर देंगे तो 10 दिन में। तो देखिए ये रिवर्स सिचुएशन हो गया, आप क्वेश्चन ऐसे पढ़े हुए हैं कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेगा, उसके लिए ये मल्टीप्लाई होगा 450 और नीचे में ऐड होगा जो 45, तो कट के आपका 10 डेज आ जाएगा। तो ये जो आप पढ़े हुए थे पहला क्वेश्चन, पहला टाइप, उसी का ये रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है, पैटर्न वही है, रिवर्स कर दिया। अब आप याद कैसे रखेंगे तो उसको दिमाग में बैठा देंगे, जब ए और बी मर्ज करके दिया हुआ है और फिर अकेला ए बी उसी नाम में से एक नाम यहाँ दिया हुआ है और पूछ रहा है ये बचा हुआ नाम वो कितने दिन में करेगा, तो आज फिल करिए इसको कि ए प्लस बी में से जब हम बी को माइनस करेंगे तब ना ए बचेगा, इसलिए इसको माइनस करेंगे कैसे, तो पहले मल्टीप्लाई देन नीचे में माइनस किया जाएगा, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, आंसर नंबर आ चुका है। अब देखिए ये वही टाइप है, वही एग्जांपल है, लेकिन इसमें हम अब क्या करते हैं, ए बी के साथ में यहाँ पर सी, मीनिंग है उसमें 2 में से 1 को माइनस किया गया था, अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे। जैसे देखिए एक सिचुएशन आ गया कि ए बी सी मिलकर के किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, और यहाँ पर ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तब डिमांड आएगा कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो बोलिए जब यहाँ पर आपको 3 में से 2 माइनस होगा तो आपका 1 बचेगा, तो क्या बचेगा, ए बी कैंसिल होगा और आपका सी बच जाएगा। जब ये सी बच जाएगा तो उसके लिए हम लोग उत्तर कैसे लगाएंगे, देखिए 8 × 12 होगा और यहाँ पर 12 और माइनस में 8 होगा, जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ से आपका ये 4 है, ये 2 टाइम्स में कटेगा और आपका फाइनल आंसर हो गया 24 डेज। ये आपका उसी पैटर्न का एक एग्जांपल, 2 में से 1 माइनस होता था, आज आपको 3 में से 1 माइनस कर दिया गया है। चलिए इसके आगे फिर बढ़ते हैं इसी में अगला टाइप में। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको इसी में एक लेवल बढ़ा दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा ए और बी मिलकर एक्स दिन में, बी और सी मिलकर वाई दिन में, सी और ए मिलकर जेड दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है। अब इससे आपसे डिमांड करेगा कि ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। इसके लिए कंसेप्ट है, जैसे आप ऐसे सोचिए कि ये ए बी सी सिर्फ बोला रहता तो आप ये गुणा करते नीचे में मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ए बी बी सी और सी ए दिया हुआ है तो उसके बाद इसको कैलकुलेट करने के लिए इस जगह पर आपका थोड़ा चेंज हो जाता है, 3xyz समथिंग ऐसा, तो इसीलिए इसमें हम लोग 3xyz और बाय में xy प्लस 2
टू एक्स वाई जेड, नहीं पहले आप वही फॉर्मूला लगा के उसको डबल कर देते हैं, ऐसा याद रखिए। तो टू एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड था, एक्स वाई वाई जेड और यहाँ पर जेड एक्स, मीनिंग है ये ऐसा करना पड़ेगा, ये टू यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाता है। टू क्यों एक्स्ट्रा आता है उसको समझ सकते हैं, सपोज ये नहीं होता तो इस कंडीशन में ए बी सी मिल करके क्या समय लेता, तो उसका उत्तर ऐसा होता ऐसे। लेकिन चूंकि ये ए प्लस बी बी प्लस सी, मीनिंग है दो बार ए है, दो बार बी है, दो बार सी है, और आपसे पूछा जा रहा है एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी, ये क्या समय लेगा, तो इसलिए आदमी जब आधा होगा तो समय डबल लेगा, इसीलिए जगह पर यहाँ पर टू लगा दिया जाता है, मीनिंग है ये इसका कंसेप्ट आ गया। इसीलिए ए बी बी सी सी ए मिलकर समय दिया रहा है, उससे ए बी सी का निकालना रहा है तो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर टू एक्स वाई जेड और बाय में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसी सिनॉप्सिस में एक सिचुएशन और आगे क्रिएट कर देता है, जैसे आपसे ये ए बी सी का पूछेगा नहीं, वो सीधे बोल देगा कि सी अकेला क्या समय लेगा, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट आप पीछे पढ़ चुके हैं पीछे के सिनॉप्सिस में, और उस सिनॉप्सिस में क्या था तो उसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जब सी अकेला पूछ देगा इस कंडीशन में ये देने के बाद में, तो इस ए बी सी से हम लोगों को सी बचाने के लिए ए बी को माइनस करना पड़ेगा, मीनिंग है आज ए बी सी का ये जो भी मान आएगा, जैसे डिजिट में जो भी आएगा नंबर में, तो उसमें से हम लोगों को ए बी वाला मान ये घटाना पड़ेगा, मीनिंग है ये सपोज आपका आ चुका है एम, मान लीजिए ऐसे, तो ये अगर एम है तो आप इस कंडीशन में सी का समय कैसे निकालेंगे, तो एम और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे एम एक्स और उसके बाद एक्स माइनस एम, तो ये जो आएगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर ये एम कैलकुलेट करके आ गया तो उससे अगर आप निकालेंगे सी अकेला क्या समय लेगा, तो उसके लिए वही एम एक्स और बाय में एक्स माइनस एम जो आप अभी पीछे सिनॉप्सिस में पढ़े हुए थे। चलिए अब उसके बाद एक सिचुएशन फिर आगे ऐसा आता है इस चैप्टर में, आपसे क्वेश्चन बोलेगा ए किसी काम को x दिन में समाप्त कर सकता है और उसने a दिनों तक काम किया, ऐसे ए किसी काम को x दिन में समाप्त कर सकता है और उसने a दिनों तक काम किया, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आखिर a दिन अगर वो काम किया तो a दिन में कितना काम किया होगा, उसके लिए ये a लिखना पड़ेगा और बाय में ये x लिखना पड़ेगा, तो इतना काम वो ऑलरेडी कर चुका है ये निकल जाता है, जिसको आप देख सकते हैं एक छोटे एग्जाम्पल से। सपोज देखिए ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और क्वेश्चन बोला कि ए ने 5 दिन काम किया, तो इससे हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्यूशन में कि आखिर ए 5 दिन में क्या किया होगा, तो उसके लिए यही कंसेप्ट लेंगे 5 दिन में क्या किया होगा, तो पहले 5 लिखना पड़ेगा और बाय में ये 15 लिखना पड़ेगा, जब इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये आपका आ जाता है 1/3 काम, मीनिंग है जो व्यक्ति 15 दिन में एक काम कर सकता है वो अगर 5 दिन तक काम किया है तो निश्चित रूप से 5/15 अर्थात 1/3 काम वो कर दिया, ये आपका अगला सिनॉप्सिस। इसी सिचुएशन को फिर चेंज कर देता है रिवर्स, मीनिंग है आपसे ऐसे बोलेगा क्वेश्चन कि एक चौथाई काम को, जस्ट उल्टा, आज यहाँ पर 15 दिन में काम कर सकता है, 5 दिन में कितना क्या ये पूछा, अब इसको रिवर्स कर देता है, कभी ऐसा बोलेगा ए एक चौथाई काम को समाप्त करने में 10 दिन का समय लिया, तो ए पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा, बोले जो आदमी एक चौथाई काम में 10 दिन लेता है वो एक काम में ज़्यादा दिन लेगा, और ज़्यादा करने के लिए इस जगह पर इसी 10 में हम लोग इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर आंसर दे देते हैं ऐसे क्वेश्चन का, ये 40 डेज। तो इसको हम लोग टेक्निकली लिखते कैसे हैं, तो सीधा ऐसा, जैसे बोलेगा क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति एक चौथाई काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो आप लिखेंगे 1/4 काम इक्वल्स टू में 10 डेज और तब यहाँ पर एक काम बराबर, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा आपको 40 डेज। ये भी इसका एक सिनॉप्सिस हो गया। एक पार्ट और इसका है जो कि कैपेसिटी और समय पर निर्भर करता है, उसके रिलेशन में क्वेश्चन दिया जाता है, उसको भी देख लीजिए। ये ऑलवेज याद रखना है कि दो व्यक्ति ए और बी के बीच में कैपेसिटी, उसी के लिए हम सी लिखे हुए हैं, कैपेसिटी मीन्स कार्य क्षमता, इफिशियंसी, इसको आप इफिशियंसी भी बोल सकते हैं, ये अगर एक्स और वाई के रेशियो में है तो निश्चित रूप से किसी सेम काम को समाप्त करने में इन दोनों के द्वारा जो समय लगेगा वो इसके विपरीत इन्वर्स लगेगा, मीनिंग है यहाँ पर वाई रेशियो एक्स हो जाएगा। तो ये ऑलवेज याद रखना है कि दो व्यक्ति का कार्य क्षमता कैपेसिटी जिस रेशियो में होगा समय ऑलवेज उसके इन्वर्स रेशियो में लगेगा। तो ये आपको इस प्रकार से एक सिचुएशन अंक पे भी देख लीजिए, जब ए और बी के बीच में कार्य क्षमता 2:3 के अनुपात में होगा तो निश्चित रूप से लगने वाला समय जो होगा वो 2:3 का इन्वर्स, मीनिंग है 3:2 के रेशियो में। अब यहाँ पर आपको मन में एक सिचुएशन रीज हुआ होगा कि अगर ये 3 दिया रहे
रेशियो में, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे तीन व्यक्ति होगा तो फिर इन्वर्स लेंगे कैसे। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक कंसेप्ट है जो उसमें हम लोग डील करते हैं, उसी के आधार से यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको ऐसा दे दिया, ये ए बी और सी तीन व्यक्ति के कार्य क्षमता का रेशियो है, कैपेसिटी। अब किसी काम को समाप्त करने में क्या समय ये लोग लेगा, तो कंसेप्ट तो मालूम है कि ऐसे जगह पर इन्वर्स लेते हैं। अगर ये मात्र दो ही होता तो इसको इंटरचेंज कर देते, लेकिन अगर ये तीन है तो इन्वर्स लेने का दो तरीका होता है। एक तो मैथमेटिकल मेथड होता है उसके अनुसार लेंगे, और एक टेक्निकल अप्रोच में आता है। जैसे देखिए, मैथड यही कहता है कि आप इन सारे का पहले एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम लेते हैं तो सपोज 30 आ गया, ये उसी 30 को आप इन सभी के ऊपर रखेंगे, 30/2, ये 30/3 और ये 30/5। जब इसको फाइनली कैंसिल करते हैं 2 से 15 बार में, 3 से 10 बार में और 5 से 6 बार में, तो ये जो निकला है ना, यही आपका इन्वर्स रेशियो हो गया। मीनिंग है, अगर उन तीनों व्यक्ति के कार्य क्षमता में 2-3-5 का रेशियो होगा तो किसी सेम काम को समाप्त करने में उन तीनों के द्वारा समय क्रमशः 15 दिन, 10 दिन और 6 दिन लगेगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इन्वर्स रेशियो पर आधारित हो गया। अब चलिए, इतने सिनॉप्सिस के अलावा इसका मात्र एक सिनॉप्सिस रह गया जो कि हम लोग नेक्स्ट में डील करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अल्टरनेटली वर्क का एक टाइप आ जाता है, तो जब हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डील कर लेंगे उसके बाद टाइम एंड वर्क को दो वॉल्यूम में फिनिश किया जाएगा, एक वॉल्यूम ये है, एक वॉल्यूम और दिया जाएगा और उसमें सारा क्वेश्चन आपको आ जाएगा, तो अल्टरनेटली वर्क भी उसी में आ जाएगा। इसलिए अल्टरनेटली वर्क का जब भी क्वेश्चन आएगा तभी हम लोग उसको डील करेंगे। अभी इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हम अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स के रूप में सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से ध्यान देना कि क्वेश्चन जो भी आएगा वो कैसे बोलेगा आपको, उतने ही सिनॉप्सिस से उसका हेल्प कैसे लेना। देखिए, सबसे पहला अभी जो लास्ट में बताया हम उसी के अनुसार आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोलेगा ए और बी के कार्य क्षमता में 2-3 का अनुपात है, तो आप लिख दीजिए 2-3 का रेशियो। ये जैसे लिखा गया तो आपका प्राइम ड्यूटी बनता है, प्राइम एंड फर्स्ट ड्यूटी, मीनिंग है क्वेश्चन आगे पढ़े ना पढ़े आप इसको इन्वर्स कर देंगे। इसलिए समय का क्या रेशियो बनेगा, 2-3 का इन्वर्स, मीनिंग है यहाँ पर 3-2 हो जाएगा। अब इससे अर्थ आपके दिमाग में आ गया कि ए अगर 3 दिन का समय लेगा तो बी 2 दिन का समय लेगा, तो ये तो आपका हो गया कि किस रेशियो में समय लेगा वो चीज़। अब इसी में क्वेश्चन आगे हम बढ़ा देते हैं। ये हो गया कि एक क्वेश्चन ऐसा कि ए और बी किसी के कार्य क्षमता में 2-3 का रेशियो है, तो सेम काम को फिनिश करने में वो समय कैसा लेगा, तो वो रेशियो आ गया 3-2 का। लेकिन परफेक्शन मीनिंग है इसी क्वेश्चन का एक दूसरा एग्जाम्पल जिसमें नंबर ऑफ डेज आपको क्लियर कर दिया जाएगा, फाइनल आंसर आपसे डिमांड किया जाएगा, वो कैसे निकलेगा। तो देखिए, अगर क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी के कार्य क्षमता में 3-4 का रेशियो है और बी किसी काम को समाप्त करने में 15 दिन का समय लेता है, 3-4 का रेशियो है और बी 15 दिन लेता है किसी कार्य को समाप्त करने में, तो ए उसी कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा, इसी एग्जांपल का क्वेश्चन। तो तब हम लोग कैसे डील करेंगे, इस बात को समझिए। जब क्वेश्चन बोला ए और बी के कैपेसिटी में 3-4 का रेशियो, तो आपसे क्या बोला गया कि सबसे पहले क्वेश्चन आगे पढ़े या ना पढ़े आप इसके इन्वर्स रेशियो में टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। मैंने कहा 3-4 का इन्वर्स होगा 4-3, तो ये तो समय का रेशियो लगने वाला जो भी है वो निकला। अब यहाँ देखिए, बी को फिक्स कर दिया कि बी 15 डेज लेता है, तो बोले बी 15 डेज लेता है, इसका अर्थ क्या है कि आपको ये जो 3 यूनिट बी का समय है उसी को 15 डेज बोल रहा है। मीनिंग है यहाँ पर 5-फोल्ड है, हम यहाँ भी 5-फोल्ड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 20 डेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसीलिए पहले कैपेसिटी का इन्वर्स हम लोग कर देते हैं, और इन्वर्स करने के बाद में किसी समय को फिक्स अगर कर दिया तो उसके फोल्ड से हम दूसरे का फोल्ड करके समय उसका निकाल लेते हैं। अब इसी सिचुएशन में आपको क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी ए के साथ सी भी ले आते हैं, ए बी सी के कार्य क्षमता में 2-3-5 का अनुपात है, ये कैपेसिटी ऐसे, और आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि सी किसी कार्य को समाप्त करने में सम डेज लेता है, तो उसमें फिर ए कितना लेगा, समथिंग लाइक दैट ऐसे। तो इसीलिए ए बी सी के कार्य क्षमता में अगर 2-3-5 का रेशियो है तो सबसे पहले आप इसका समय निकालिए। समय तो इसके इन्वर्स रेशियो में लगेगा, इन्वर्स लेंगे कैसे, तो आप इसको एलसीएम लेकर कर सकते हैं। दूसरा रास्ता एक और जो उस समय नहीं बताया था, अभी देखिए, इसको हम कवर कर देंगे 3 × 5 से, यहाँ 15 लिख देंगे, इसको कवर कर देंगे 2 × 5 से 10 लिख देंगे,
उसके बाद इसको कवर कर देंगे, 2 × 3 = 6 लिख देंगे। मीनिंग है आपको इनवर्स रेशियो निकल चुका है और इसी रेशियो में ये तीनों समय लेगा। आपका क्वेश्चन ये है कि ABC के कार्य क्षमता में 2, 3, 5 का रेशियो है और ए किसी काम को समाप्त करने में 45 दिन लेता है। ए का समय क्या दिया, 45 डेज लेता है। बोले अगर ए 45 दिन लेता है तो अब तो स्पष्ट हो गया कि इसी 15 को 45 डेज बोला जा रहा है। यहाँ पर थ्री फोल्ड है, इसीलिए आपसे अगर बोलेगा सी को क्या समय लगेगा उसी काम को समाप्त करने में, तो सी के लिए यहाँ पर आप थ्री फोल्ड करेंगे सी वाले में, तो आपका आंसर हो जाएगा 18 डेज। मिलेगा क्वेश्चन क्या था, ए बी सी के कार्य क्षमता में 2, 3, 5 का अनुपात है, ए अकेला उस काम को 45 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताइए सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। उसके लिए हम लोग ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखते हैं ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। उसके लिए यहाँ से हम लोगों को अब तो देख चुके हैं इसका सिनॉप्सिस में कि ए और बी मिलकर, अब पूरे चैप्टर में टाइम एंड आउट पे मन में बैठाइए कि जब भी बोलेगा ए और बी मिलकर तो कंसेप्ट यही आएगा कि पहले मल्टीप्लाई, मीनिंग दोनों समय को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद नीचे में फिर यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसी को जब आप कैंसिल करते हैं तो ये आपका 50 है, 50 और उससे 12 डेज आंसर आ जाता है। ये कैंसिल कर दिए 12 डेज, तो एक क्वेश्चन आ गया, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, उसके लिए पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बाय में दोनों को ऐड कर देंगे। ये जी इसी का एक अगला सिचुएशन जिसमें हम ए बी के साथ में सी को भी ले आते हैं और वो क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो इससे जब डिमांड करेगा कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इन एक तो ट्रिक दिया गया था और इसके लिए ट्रिक क्या लगेगा, ट्रिक क्या लगेगा वो सिर्फ दिखाते हैं, उससे हम लोग बनाएंगे नहीं। ये 10, 15, 30 डेज है ना, तो तीनों मिलकर क्या लेगा, उसके लिए पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऐसे इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेंगे फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए ए बी सी तीनों मिलकर जब भी बोला जाए तो इसके लिए सिनॉप्सिस में बताया जा चुका है। हम लोग क्या करते हैं, पहले इन तीनों का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम दिख रहा 30 आ जाएगा, उसके बाद इस 10 से 30 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, प्लस 15 से कटेगा 2 बार में, 30 से 1 बार में। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं 3, 2, 5, 1, 6 से 5 बार में, तो आपके प्रश्न का आंसर आ गया 5 डेज। इसीलिए जब ये तीन आदमी मिलकर काम को समाप्त करेगा तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पर पहले इन तीनों का वर्बल एलसीएम लेंगे, एक लाइन दे दीजिए और उसके बाद में तीनों से कैंसिल करिए, जो कट क्वेश्चन आएगा बस वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ऐड करके वो कैंसिल करते हैं आंसर आ जाता है। इसी में एक वर्बल सिचुएशन समझ लीजिए अगले लेवल के लिए, यहाँ यही बात बोल दे कि ए बी 10 दिन, बी सी 15 दिन और सी ए 30 दिन, तो ए बी सी कितना, तो यही स्टेप होगा लेकिन इस जगह पर 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, बस एक स्टेप चेंज हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, ए बी मिलकर 10 दिन में, बी सी मिलकर 15 दिन में, सी ए मिलकर 30 दिन में, सपोज ऐसा बोल दे और ए बी सी क्या समय लेगा, तो सेम सिचुएशन लेकिन इस जगह पर एक्स्ट्रा में फिर यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसका भी आंसर इससे आ जाता है। उसके बाद आइए अब हम लोग यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं जिसमें माइनस का सेंस अडॉप्ट करते हैं और माइनस सेंस कब लगाया जाता है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे देखें, अगर क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन क्या हुआ, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आपके दिमाग में ये पहले बैठाना पड़ेगा कि ए बी से अगर बी को माइनस कर दिया जाए तो ए बच जाएगा। ठीक है, इसीलिए माइनस करेंगे कैसे, टाइम एंड वर्क है, प्लस कैसे करते हैं, पहले इन टू बाय में प्लस, इसीलिए इसमें माइनस करना पड़ेगा तभी बी कैंसिल होगा ए बचेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो पहले इन टू और बाय में माइनस, इसलिए यहाँ से 10 × 15 और बाय में 15 − 10, इसी को कैंसिल करना है, यहाँ से 5 से 3 टाइम्स में कटेगा और आपका फाइनल आंसर 30 डेज हो जाएगा। तो ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। 7 क्वेश्चन में इसी में एक लेवल केबल चेंज कर देते हैं, 7 में यहाँ से ए बी सी दे दिया गया और ये सपोज 9 डेज में कोई काम फिनिश कर सकता है
और यहाँ से बी प्लस सी के बारे में बोल दिया, इसको लगता है 12 डेज। तो ए को अकेला समय कितना लगेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है लैंग्वेज में कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। फिल करिए, ए बी सी से बी सी को जब माइनस किया जाएगा तभी ए बचेगा, और इसीलिए माइनस कैसे करेंगे तो उसके लिए लैंग्वेज यही है, पहले दोनों समय को मल्टीप्लाई और नीचे में माइनस किया जाता है, बड़ा जो भी होगा उसमें छोटा माइनस कर देना है। अब यहाँ से कैंसिल करते हैं 3 से 4 बार में, 9 × 4 = 36 दिन, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 36 डेज हो गया। इसीलिए इस तरह से ये जो भी पैटर्न है, कभी आपको इंटू करना पड़ेगा, कभी इंटू नीचे में प्लस, कभी इंटू नीचे में माइनस, तो वो कब, जब आपको लगे ऐसा कि मिलकर तो नीचे में प्लस का साइन हो जाएगा, और आपको लगे कि नहीं इसमें से इसको माइनस करके कैलकुलेट करना है तभी नीचे में आपको जो है माइनस करना पड़ेगा। इसी आधार से हम लोग इसको डील करते हैं। चलिए इसके एक लेवल फिर आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका 8वां क्वेश्चन आ रहा है, उसमें क्या बोलता है। देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर क्वेश्चन आपसे बोलता है कि ए ने 5 दिन काम किया, ए 5 दिन काम किया, ये शेष काम में 5 दिन काम किया और फिर काम छोड़ दिया, शेष काम में बी को क्या समय लगेगा, यही क्वेश्चन है। देखिए ये क्या बोला क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए ने 5 दिन काम किया, शेष काम को बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए बोला ए 20 दिन में काम कर सकता है, लेकिन अभी काम कितना दिन किया, तो मात्र 5 दिन। तो इसके लिए कंसेप्ट यह है, पहला कि 5 दिन में वो कितना काम करेगा, जो सिनॉप्सिस में बता चुके हैं यही 5 रहेगा, नीचे में ए का फुल कैपेसिटी मीनिंग है यहाँ पर 20। इसीलिए ए 5 दिन जो काम किया उसमें कितना काम किया वो इससे निकल रहा है, कैसे, तो ये कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर ऐसा हो गया। बोले 1/4 काम तो ए कर दिया है। इसके बाद में पूरे चैप्टर के लिए याद रखिए कि नॉर्मली आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में रिमेनिंग निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन बोलेगा भी, आप उससे पहले भी निकाल सकते हैं कि इस 1/4 काम के बाद में ये हेल्ड लिखते हैं, मीनिंग है ये जो 5 दिन काम किया उसमें इतना काम वो कर दिया है, अब बच जाता है आपको यहाँ पर 3/4 काम, ये शेष है। और क्वेश्चन का डिमांड सुनिए, बोल रहा है कि इस शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा उसके लिए इसी शेष काम में बी का फुल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करना। ये क्यों मल्टीप्लाई होगा ये भी आपको समझा दिया जाएगा, यहाँ से 4 से 3 बार में कटेगा, ये 9 डेज मीनिंग है, शेष काम में बी को अभी 9 दिन लगेगा, जो इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। कैसे डील किए, ए 20 दिन में काम कर सकता है, अभी 5 दिन काम किया तो 5/20 1/4 काम कर दिया, रिमेनिंग 3/4 है, और इसको बी कितने दिन में करेगा तो बी के फुल कैपेसिटी से ऑलवेज गुणा करना पड़ेगा। ये क्यों मल्टीप्लाई होगा उसको यहाँ पर देखिए, चूंकि आपको मालूम है कि बी किसी काम अर्थात एक काम को कर सकता है 12 दिन में, मीनिंग फुल काम करना तो 12 दिन लेगा, काम बी को करना कितना है 3/4, बोले एक काम करने में 12 दिन लगेगा तो 3/4 काम जो कि इस काम से कम है इसलिए उसको समय भी थोड़ा कम लगेगा, तो यही आपको यहाँ पर 3/4 जो काम करना है, और जब ये मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ से आपको आ जाता है 9 डेज, मीनिंग है जिस काम को बी अकेला 12 दिन में कर सकता है उसके 3/4 काम को उसी व्यक्ति को समय लग जाएगा मात्र 9 दिन। तो इसके हिसाब से हम लोग इसको आंसर दे चुके हैं, यहाँ भी 9 डेज था, ये कारण यही है। उसके बाद देखिए, कभी कभार इसी में फिर ऐसा बोल देता है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों ने मिलकर यहाँ पर ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर 8 दिन काम किया, सपोज ऐसा बोल दिया 8 दिन काम किया, शेष काम में ए को क्या समय लगेगा, चाहे बी को जो भी बोले ऐसे ए को क्या समय लगेगा, सपोज ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो बोले जो पैटर्न से अभी डील कर रहे थे, जो कंसेप्ट दिया गया उसके अनुसार आप सोचिए कि ए 20 दिन में काम कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, और बोल रहा है ए और बी मिलकर 8 दिन काम किया, तो सबसे पहले ए और बी मिलकर आखिर पूरे काम में क्या समय लेगा वो निकालना पड़ेगा। बोले ये तो आप पहला क्वेश्चन पढ़े कि ए और बी मिलकर क्या समय लेगा, उसके लिए मिलकर जैसे बोलता है तो पहले इंटू और बाय में प्लस करते हैं, तो ए और बी मिलकर कितना समय लेगा उसके लिए आप इंटू कर दिए और नीचे में यहाँ पर
प्लस कर दिए कैसे। अब यहाँ से ये आपका 50 है तो ये 12 डेज आ गया कैंसिल करके। इसका अर्थ क्या है कि अगर ए 20 दिन में काम कर सकता है और बी 30 दिन में कर सकता है, दोनों मर्ज होकर काम करे, तो मात्र 12 दिन में काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो 12 दिन में फिनिश करेगा और वो दोनों काम कितना दिन किया, तो 8 ही दिन किया, इसीलिए 8 दिन में क्या हो सकता है, तो 8/12 कैंसिल कर देंगे, 2/3 इतना काम हो चुका है हेल्ड। इसका रिमेनिंग ले लेंगे, ये ऑलवेज लेना है, रिमेनिंग ले लिए। अब यहाँ पर सिचुएशन आ गया, 1/3 काम बचा हुआ है और क्या बोल रहा है, इस बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा। तो अभी तो पढ़े थे कि इस बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा, उसके लिए हम लोग इसमें ए के फुल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का फुल कैपेसिटी 20 डेज है, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी को जब कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आ गया 4 डेज मीनिंग है। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 4 डेज मीनिंग है, इस बचे हुए काम में इस व्यक्ति को इतना समय लगेगा। अब एक छोटा एग्जाम्पल आगे के लिए, 10वां नंबर देखिए। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा बोलता है, ए 1/4 काम को समाप्त करने में 5 दिन का समय लेता है और बी 1/3 काम को समाप्त करने में 4 दिन का समय लेता है, तो ए और बी मिलकर पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा, ये आपका क्वेश्चन। बोला ए 1/4 काम में 5 दिन, बी 1/3 काम में 4 दिन, तो दोनों मिलकर पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा। तो उसके लिए यहाँ से हम लोग रीड करते हैं कि जो व्यक्ति 1/4 काम 5 दिन में कर सकता है, वो पूरे काम यहाँ पर एक काम में क्या लेगा, तो पढ़ चुके हैं, ये आपका 4×5 20 डेज। ये बी 1/3 काम में 4 दिन लेता है, तो बी भी एक काम में क्या लेगा, तो आपका 3×4 से 12 डेज। ये अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ए और बी मिलकर कितना समय लेगा पूरे काम में, तो उसके लिए तो पढ़ा हुआ है, इसी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसी दोनों को ऐड करते हैं। तो अब ये ऐड हम कर दिए भरभली, ये जोड़ करके ऐसा, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 से 5 बार में 4 से 8 बार में 4 से 2 बार में 4 से 3 बार में 15/2 7.5 डेज हो गया। मीनिंग है इस क्वेश्चन का आंसर आपका 10 डेज हो गया। इसीलिए इसी प्रकार से हम लोगों को सारे क्वेश्चन को डील करना है। इसमें 2 पार्ट हो सकता है, 3 पार्ट भी लगे ऐसा, तो इसीलिए आपको टाइम एंड वर्क का ये आपको पहला पार्ट हो चुका है, उसके बाद में मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि 3 पार्ट में होगा, इसलिए 2 पार्ट और इसका आ जाएगा इसके एडजेसेंट में। इसीलिए इस टाइम एंड वर्क के पूरे चैप्टर में 3 हिस्से में आप पहला हिस्सा को अच्छा से पढ़िए और जब भी आप YouTube पर या कहीं भी देखते हैं तो निश्चित रूप से इसको 3-4 बार देखा करिए। जब 3-4 बार इसको देखेंगे तो जो भी बात का किसी पॉइंट में कन्फ्यूज़न होता है वो अपने रिकॉल हो जाता है। इसलिए 2-3-4 बार देखने से आपको बिल्कुल भैगनेस नहीं रह जाएगा और जब कंसेप्ट क्लियर होता है तभी हम लाखों क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। इसलिए ये ऑलवेज दिमाग में रखिए कि कोई भी टीचर पूरे मैथ्स को कभी सॉल्व करके नहीं आते हैं और फिर भी सारा क्वेश्चन उनसे बनता है, उसका एक ही रीज़न होता है कि जो भी उसका पॉइंट्स होता है वो उनको क्लियर रहता है। इसलिए 4-5 पॉइंट्स इसमें है कंसेप्ट के तौर पर, वो आप बिल्कुल क्लियर करिए। और अभी इस बीच में हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे, मोस्ट लाइकली आपको ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए कोशिश किया जा रहा है और हो सकता है कि इस वीक में लगातार जब तक लॉकडाउन नहीं ब्रेक होगा तब तक हम लोग जो है ऑनलाइन ही पढ़ा करेंगे और उसमें पर डे क्लास होगा। जिस प्रकार से हम लोग बैच में 8 से 9, 9 से 10 ऐसे फिर पढ़ते थे, वो सेपरेट बैच उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन 2-2 घंटे का क्लास हम लोग लेकर के इस प्रकार से देखेंगे कि पर डे 2-2 घंटे का 2 बैच लिया जाए जिसमें कोई भी छात्र किसी भी बैच में थे हमारे यहाँ तो वो उसको उसी हिसाब से पढ़ लेंगे, चाहे जो भी चैप्टर रन करता रहेगा उसमें आप सीखने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल जैसे क्लास में पढ़ाया जाता था फेस टू फेस में उसी प्रकार आपको समझाया जाएगा। और जो प्रॉब्लम आपको रह जाएगा फिर भी उसके लिए व्हाट्सएप नंबर रहेगा और आप उस व्हाट्सएप नंबर पर आप उस प्रॉब्लम को अगर देंगे तो उसको फिर जो है समझा करके फिर उसको भेजा जाएगा। इसलिए अगले के लिए पहले तो इसको पढ़िए 2-3 बार, उसके बाद में फिर 1-2 दिन के बाद हम अगला लोड करेंगे इसी का टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 और जरूरत पड़ा तो पार्ट 3, ठीक है। तो इतना में आपका टाइम एंड वर्क पूरा क्लियर हो जाएगा और इस बीच में आप घर पे भी हैं तो निश्चित रूप से पढ़ाई करते रहिए और जो भी होगा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होगा वो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।